दोस्तों अगर महिलाओं की बात हुई है तो हमारी जो धर्म पत्नी है वो भी बड़ी सैद्धांतिक धर्म पत्नी है, है ना। वो हमारी गलती को तुरंत वो गलती बता देती है, पर कई बार तो हम गलती नहीं करते तो भी हमारी गलती वो निकालने में सक्षम है। और इसका शीर्षक है राष्ट्रपति शासन, कि लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं पर हमने जब से मांग भरी तब से हमारा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बहुत बढ़िया। श्री राम को भी, श्री राम लागू को भी इतना लागू नहीं हुआ होगा जितना हमें हो गया। नियम जो कभी स्वतंत्र प्रभारी थे अब एक तरफा हो गए, नियम जो कभी स्वतंत्र प्रभारी थे अब एक तरफा हो गए। बिना किसी तर्क के आपको मान्य करना होंगे। अगर बोलचाल बंद है तो बर्तनों के पटकने से ये संदेश आपको प्राप्त होते रहेंगे। बेचारे बच्चे भी निर्दलीय उम्मीदवार की तरह यहां वहां लुढ़कते रहते हैं। महामहिम बिना सूचना के नियम बदल सकते हैं। सरकार चुन ली है, भविष्य में अच्छे दिन आएंगे ही, पर हमें विश्वास है हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र खत्म एकल तंत्र शुरू। तो आपके भी घर में कुछ ऐसे ही है सांगी साहब, ऐसी बात हो तो जरा हमारे बीच रखिए। कि स्वामी आप कुछ अगर एकाद हमारी युवा वर्ग हमारा जो देख रहा है उसको अगर कुछ समर्पित करना चाहें कुछ लाइनें। मैं सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी स्त्रियां हैं, हमें उनकी जो आज के जमाने में जैसे जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं या जो भी होता है, तो हमें उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि आप इतिहास में जाएंगे तो माँ सीता थी, रानी लक्ष्मी बाई थी, उनके ऊपर जब जब कोई भी प्रहार होने की कोशिश हुई, जब भी कोई कलंक उन पर लगाने की कोशिश की गई, तो एक अद्भुत ही शक्तियां सामने आई जिन्होंने उनका, उनकी पाकता को पूरे दुनिया के सामने रखा। तो उसी के साथ मैं आपको चार पंक्तियां बताना चाहूंगी। स्वागत। क्या तारीफ करूं मैं उसकी जिसने एक स्त्री का मान बढ़ाया। बहुत बड़े। श्री कृष्ण की लीला थी अद्भुत जिसने द्रौपदी वस्त्र पहनाया। अंग्रेजों ने जब जब वार किया तब बादल ने रानी का मान बचाया। थी अद्भुत वो ज्वाला अग्नि की जिसने सीता को पाक बताया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वर्डिंग से। इसी प्रकार जैसे इसमें ही बता दिया गया है कि अग्नि ने सीता को पाक बताया है, जो बादल। एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बातें लाती लाती कहाँ से होती है? आप सभी का अनुभव है। देखिए इनके बाल उड़ चुके हैं, मेरे उड़ने वाले हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अभी माशाल्लाह बहुत ही कम उम्र में इतने बड़े बड़े थॉट। सीता और उसकी बात, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग और आर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ होता है। आपके पिटारे में कुछ नया बिल्कुल बिल्कुल तो पेश करे। शीर्षक एक रचना करना, प्रेम की आईसीयू। प्रेम की आईसीयू, प्रेम की आईसीयू। वाह। जिंदगी के साथ कोई मेरा हमसाया हो गया। जिंदगी के साथ मेरा कोई हमसाया हो गया, एक लड़की से क्या मिला, मैं उसकी छाया हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ना युवाओं को समर्पित है। रिश्ता होते ही जिंदगी में वो हो गई सब कुछ। रिश्ता होते ही जिंदगी में वो हो गई सब कुछ, यारों में खुद अपने लिए पराया हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत युवा उपस्थिति श्रोताओं के लिए है। सुबह दोपहर शाम रात बस बातें ही बातें। सुबह दोपहर शाम रात बस बातें ही बातें। मोबाइल मेरा 24 घंटे का साया हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तोहफों ने सीमा पार पहुंचा दिया क्रेडिट कार्ड का बिल। तोहफों ने सीमा पार पहुंचा दिया क्रेडिट कार्ड का बिल, उन्हें उपहार दे देकर खुद देनदारी का मारा हो। क्या बात है, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। मेरी नहीं, युवाओं की। रोज उठाकर उनके नखरे और जताकर उन्हें प्यार। रोज उठाकर उनके नखरे और जताकर उन्हें प्यार, किसी फिल्म के एक्स्ट्रा की तरह बेचारा हो गया। एक्स्ट्रा, अच्छी उपमा दी है। कभी घर, कभी कभी घर तो कभी ऑफिस से पिकअप ड्रॉप। कभी घर तो कभी ऑफिस से पिकअप ड्रॉप, उनके लिए मर्सिडीज तो खुद के लिए खटारा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी उनके नैनों में न जाने क्या है बात। फिर भी उनके नैनों में न जाने क्या है बात।
प्रेम के आईसीयू में रहना गवारा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर रचना, बहुत अच्छा। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ये लंबापन मोटापन जब हम इस तरह के होली के किसी प्रोग्राम में होते हैं तो बड़ा मजाकिया माहौल हो जाता है। एक बहुत लंबा सा व्यक्ति कहीं सब्जी खरीदने गया और उसने जाकर बोला कि भाई संतरे क्या भाव दिए, तो सब्जी वाली बोली बैठ के देख ये संतरे नहीं नींबू तो कई बार हमारी हाइट ऐसी तकलीफ हो जाती है। और एक मोटा मेरा मित्र है, हम उसके लिए हमेशा कहते हैं कि सुना है सनम के कमर ही नहीं, बहुत बड़े सुना है सनम के कमर ही नहीं है, खुदा जाने नाला कहाँ बांधते। तो ये ऐसी समस्या है लोगों के बीच आ जाती है। लेकिन इस तरह के होली के त्योहार में जहाँ मित्र मिलते हैं वहाँ ये बात हम मजाकिया तौर पर कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि ये रंग, ये प्यार, एक दूसरे का अपनापन, एक दूसरे की सोच, उनकी भावनाओं को समझना, सिर्फ होली एक त्योहार नहीं, एक ऐसा दिन होता है जहां आप अपने लोगों से अपने गिले शिकवे हटाकर, तकलीफें हटाकर, द्वेष हटाकर मिल सकते हैं। और मुझे लगता है जब एक टीका लगता है, कई लोग ये जरूर कहते हैं टीका गया, टीका गया, पर टीका जो होता है वो आपको एक सौहार्द, आपको प्रेम, और उसका सबसे बड़ी बात उसका जो रंग होता है वो आपको ऊर्जा का द्योतक होता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस होली के त्योहार पर हमारे दद्दू और दद्दी दोनों की तरफ से हम बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। वेब पोर्टल के जितने हमारे दर्शक हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये होली बहुत शुभ हो, बहुत प्यार से होली खेलें। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि होली जिंदगी में अगर मनाना है तो प्यार की होली खेलते रहिए। हम जैसे कवि आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।